यूपी में गर्मी और चर्बी निकालने के बयानों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज युवाओं के लिए भर्ती निकालने की नसीहत दी। कांग्रेस ने आज अपना जन घोषणा पत्र राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया। इससे पहले राज्य में होने वाले चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। यूपी में नई सरकार चुनने के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। यूपी में प्रियंका गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले अपना तीसरा घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं के लिए शक्ति विधान और युवाओं के लिए भर्ती विधान नाम से दो घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। उन्नति विधान जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का जन घोषणा पत्र घर में बैठकर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसी सरकार की हकदार है जो उनकी प्रगति और भलाई को अपने एजेंडे में रखे। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस का उन्नति विधान इसका ही रास्ता तैयार करेगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने राजनीतिक बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गर्मी और चर्बी निकालने की बातें क्यों हो रही है, सरकारी पद खाली है, भर्ती क्यों नहीं निकालती सरकार। गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए, खाली पद पड़े हैं, भर्ती निकालिए। हमने तो पूरा खाका तैयार किया है कि हम भर्ती कैसे निकालेंगे। हम तो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ से निकालेंगे, हम ये बता रहे हैं कि रोजगार कहाँ से दिलवाएंगे। हम ये सब कह रहे हैं और आप एक दूसरे से कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि चर्बी निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे, फालतू की बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की प्रमुख बातों पर अगर नजर डालें तो पार्टी ने यूपी में 20 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया है, जबकि कोरोना पीड़ितों को 25,000 रुपए सहायता राशि का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही किसी भी बीमारी पर सरकार की तरफ से 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में किए जाने की भी घोषणा कांग्रेस ने की है। आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए इससे नुकसान झेलने वालों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3,000 रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना शुरू करने की बात भी कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कही है। नौकरियों में आउटसोर्सिंग को बंद कर धीरे धीरे कुछ चरणों में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का ऐलान भी कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने इससे पहले बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा को अपने घोषणा पत्र का नाम धोखा पत्र रखना चाहिए। 70 सालों की रट लगाने वाली भाजपा 5 सालों में अपने घोषणा पत्र में 4 में से 1 वादा भी नहीं पूरा कर पाई, न ही 5 सालों के काम का हिसाब दे पाई। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी पर कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को कॉपी पेस्ट करके अपना काम चलाने का भी आरोप लगाया। यूपी चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन इन चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कांग्रेस कोई मौका नहीं चूक रही। पार्टी को यह उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ फायदा तो कांग्रेस को जरूर होगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी चुनाव और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।